अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनाज कुकिंग। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मसाला अंडा करी। ये बहुत ही मज़ेदार है और एकदम झटपट होने वाली रेसिपी है, सिंपल है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। हमने 7 बॉईल अंडे लिए हैं और अंडे को हम इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हम ग्रेवी में डालेंगे तो मसाला अंदर अच्छी तरह से आना चाहिए। ये हमने सारे अंडे में इस तरह से कट लगा के रख दिए क्योंकि मसाला अच्छी तरह से अंदर लग जाए। और इसको फ्राई करने के लिए हम लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, नमक लेंगे हम, और हमने इसमें थोड़ा सा एक चुटकी हमने इसमें गरम मसाला पाउडर लिए है। ये हमने गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दिए, इसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किए है और अभी ये जो मसाले हैं इसको हम डालेंगे जो अंडा हमने इसमें फ्राई करना है। अब इसमें हम ये अंडे डालेंगे, इसको हम धीमी आंच पे ही रखेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बबल जैसे आ गए हैं और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ये मैंने हरा धनिया ली हूँ, इसमें पत्ते कम है, डंडी ज़्यादा है क्योंकि डंडी के अंदर इसका जो मेन फ्लेवर होता है इस वजह से हमने डंडी का इस्तेमाल किए है। ये 1/2 मुट्ठी हमने लिए है और 10 से 12 हमने इसमें लहसुन की कली लिए है, 2 हरी मिर्ची है और ये 2 छोटे पीस हमने जिंजर के लिए है। ये पीसने के बाद 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक चिली और हरा धनिया का पेस्ट रेडी हो जाएगा। 1 मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लिए, इसको हमने ग्रेट करके इसकी स्किन उतार कर इस तरह से हमने बना के लिए। इस तरह आप इस पर ग्रेट कर सकते हैं। और हमें सेकंड मसाले के लिए लगेगा, हमने 10 से 15 काजू लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, अगर बड़ी है तो आपको 2 लेना है और उसको इस तरह से फ्राई करके लेना है। और हमने इसमें 3 टेबल स्पून दही लिए है क्योंकि हम 7 अंडे का बना रहे तो उसकी ग्रेवी भी ज़्यादा होगी। ये तीनों चीज़ों को भी हम पीस के लेंगे अलग। अब ड्राई मसाले में जाएगा 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल चिली पाउडर। मैं हमेशा कश्मीरी लाल चिली पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, इससे खाने का जो हमारे ग्रेवी और जो सब्ज़ी जो भी होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और हम नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर लिए। ये हमारा होममेड है। ये कढ़ाई हमने रखी है, इसमें ऑयल डालेंगे हम 1/4 कप। ऑयल गरम हो गया, इसमें हम तेज़पत्ता और 1 स्टार फुल डालेंगे। अब इसमें हमने जो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन पीसा हुआ है उसको शामिल करेंगे। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और ये टमाटर जो पीस के रखा हुआ है बारीक करके। इसका ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा भून गया है। अब इसमें हम ये जो प्याज, दही, काजू को पीस के रखे हैं इसको शामिल करेंगे। अब इसको हम मिक्स करते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से भूने हैं 4 से 5 मिनट। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं कम है ज़्यादा है। अब इसमें हम ये अंडे जो फ्राई करके रखे गए इसको इसमें रखेंगे, इसको कवर करके हम पकाएंगे।
सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। अब हम चेक करेंगे, 4 से 5 मिनट हो गए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये हो गया रेडी हमारा ढाबा स्टाइल अंडा मसाला करी, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इसकी जो खुशबू पूरे घर में फैली है बहुत ही यम्मी है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हो गया रेडी, हमने डिश आउट की, बहुत ही अच्छा बना है और इसकी जो खुशबू है बहुत ही लाजवाब है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये ढाबा स्टाइल है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।